पांडे, आप सभी दोस्तों का मेरे ब्लॉग में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आया हूं, मैं तो आप जानते ही हैं जेएनबी में हूं, जो कि नागालैंड में है। यहां पर मेरी ड्यूटी है। तो यहां पर हम कभी कभी घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो यहां पर मेरे एक एसएसटी सर है, वो है साथ में, और उनके बच्चे फैमिली सहित है वो। और यहां पर हम आए घूमने के लिए। तो आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर कुछ चीज़ें हमें ऐसी देखने को मिलती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूनिक होती है, यानी हमने कभी नहीं देखी होती है। हमारी तरफ क्या होता है, कुछ भी चीज़ ख़राब होती है, कुछ भी होता है, मतलब हम घर से मार्केट जाके अरेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ भी अरेंज करने के लिए आपको 3-4 हज़ार का तो गाड़ी बुक करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये सेल्फ डिपेंडेंट है, यहाँ पर सब कुछ ये सेल्फ करते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं। तो और इसके अलावा यहाँ का नेचर मैं आपको दिखाऊंगा, और यहाँ पर रास्ते कैसे बनाते हैं, देखो पहाड़ियों में होके आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पहाड़ियाँ कितनी कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। इस पे भी ऊपर ऊपर हम जाएंगे तो वहाँ पे भी घर मिलेंगे, और नीचे से नीचे जाएंगे तो वहाँ पे भी घर मिलेंगे। और यहाँ पर खेती तो आप देख ही सकते हो, ये जितने भी ग्रीन ग्रीन सीन दिख रहा है ये सब यहाँ पर खेती है, जो कि स्टेप वाली सीढ़ी नुमा अपन जो खेती पढ़ते हैं वो यही खेती है, जो यहाँ के यहाँ सिर्फ धान की खेती की जाती है, और छोटे मोटे बागान में जो सब्जियाँ बनाई जाती है। तो सब्जियों का यहाँ ये एक सिस्टम है, ये कुछ भी खाद बीज या कुछ भी नहीं डालते, एकदम नेचुरल, यानी बीज लाएंगे लगा देंगे और बाद में जो भी सब्जी आएगी उसको ये मतलब खाते हैं, उसमें कभी भी ये दवाइयाँ नहीं डालते हैं। तो ये यहाँ की एक चीज़ सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर पॉइजन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है, यहाँ पर एकदम नेचुरल चीज़ें खाई जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे कई सारे ऐसे पत्ते हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, तो ये खाने के साथ उन पत्तों को भी ज़रूर खाते हैं। तो चलते हैं, आइए दिखाते हैं आपको पूरा नागालैंड का सीन। तो बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं यहाँ से आगे का सीन। रास्ते देख सकते हो कैसे पत्तों से काट काट के रास्ते बनाए जाते हैं, और यहाँ पर गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा टफ है भाई, क्योंकि इधर देखोगे आप तो देख सकते हो कितनी गहरी खाई है, आपकी पसलियाँ भी नहीं मिलेगी। और इधर यहाँ पे ये रास्ता है, इधर जाओगे तो पहाड़ है, तो यहाँ पर गाड़ी चलाना बहुत डेंजर है। देखो यहाँ पर खाई कितनी गहरी है, तो यहाँ पर चलाना बहुत डेंजर है भाई। ये देखो ये खाई है और ये रास्ता है, और हमारे साथ वहाँ पहुँच चुके हैं। देखो हम पीछे पीछे आ रहे हैं, वो हमसे आगे पहुँच चुके हैं। हम तो भाई ब्लॉग शूट करने में लगे रह गए। और यहाँ पर पहाड़ियाँ देखो आप, हमारा स्कूल इस पहाड़ी के भी ऊपर है, तो हम कितना घूम घूम के आते हैं, 1 किलोमीटर का रास्ता 5 किलोमीटर का रास्ता बन जाता है। अभी यहाँ पर मैं एक नदी झरना दिखाऊंगा आपको, तो ये झरना देखिए आप, दो पहाड़ियों के बीच से एकदम झरना निकल रहा है। ये देखो कितनी ऊंचाई से, अभी इसमें पानी कम है क्योंकि लाइट आए, ओ बारिश हुए बहुत दिन हो गए, ज़्यादा बारिश होती है तभी ये झरना आता है, थोड़ी बहुत बारिश से यहाँ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर पूरे नोटिस पत्थर तो आप देख ही सकते हो कितने डेंजर डेंजर है, ये पत्थर गिर जाए तो गाड़ियों के क्या हाल होंगे, देखो रास्ते पे है एकदम। और ये है जंगल, हाँ भाई देखो रास्ता, ये पहाड़ है पूरा पत्थरों से, और ये है इधर खाई, इधर गए तो कुआ, इधर गए खाई, वही वाला सिस्टम है, यहाँ किधर मरे तो यहाँ दूसरा हो गया, इधर इधर जाए तो पहाड़, इधर जाए तो खाई। तो ये है यहाँ का व्यू, ब्यूटीफुल नज़ारा। यहाँ एक चीज का फायदा है यार, बस अपने प्लेन एरिया से, और यहाँ में अपने सिर्फ सर्दियाँ 6 महीने पड़ती है, और यहाँ पे सर्दियाँ पूरा 12 महीना पड़ती है। तो ये देख लो आज भी मैंने ये कोट पहना हुआ है, क्योंकि अगर मैं इसको पहन छोड़ दूँ ना तो मैं ठंडी मर जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर इतनी स्लो मतलब ऐसी ठंडी है कि वो धीरे धीरे अपने शरीर में जाएगी और बीमार कर देगी। तो यहाँ पर सर्दी के लिए जैकेट कोट पहनना तो बहुत ज़रूरी है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है लेकिन रात तो हम कंबल ओढ़ के ही सोते हैं, इतनी डेंजर है ये समझ लो आप। जब मैं घर गया तो 46 डिग्री टेम्परेचर था, और यहाँ आया तो यहाँ वही कोट जैकेट पहने हमने। आप पीछे नज़ारा देखो मेरे,
कितने कितने ऊंचे पहाड़ है। इस पे हमारा स्कूल है भाई, गजब है भाई गजब। की खेती देखो, केले की खेती, ये है सब केले की खेती, सब केले के पेड़ है ये देखो, ये सब केले के पेड़ है। बकरिया ये है यहाँ की बकरे। हाय हाय, ये रही। ये है कुछ फंक्शन करने के लिए हॉल है ये, और यहाँ के गेट आप देखो किस तरीके के बनाए जाते हैं, और आप देख सकते हो ये है हमारा जुकेस्सा जंक्शन। दीमापुर से आने के बाद गाड़ी हमें यहीं छोड़ती है, फिर यहाँ से हम अपनी गाड़ी से स्कूल जाते हैं। सामने पहाड़ देखो, वो रहा अपना व्यू पॉइंट, वो हमारा स्कूल है जो सामने देख रहे हो आप, एक टीना सा घर है। जेनरिफेक नागालैंड का व्यू पॉइंट, वो व्यू पॉइंट है हमारा, जहाँ से पूरा दृश्य दिखाई देता है। कितनी ऊंचाई पर है, वहां से चल रहे हैं हम। वो हमारा स्कूल है और ये रास्ता है, और अभी तो और भी डाउन है। तो यहाँ से देखते दिखाते हैं आपको नागालैंड का नजारा। तो देखो ये रास्ते कैसे सड़कों पे काट काट के बनाए गए हैं यहाँ पे। ये पड़ता है सबसे नजदीक का। कौन सा हॉल? वो इस हॉल में होता है। ये है जापू हॉल, जापू हॉल है भाई ये। के पास है हमारी शॉपिंग की दुकान, यहाँ से सब सामान हम लेके जाते हैं। ये शॉपिंग की दुकान है, इधर तो हम नहीं आते हैं, लेकिन सब कुछ यहाँ से मिल जाता है। जो सामने आप देख रहे हो छोटे छोटे घर, वो है हमारा टाउन, जो कि देखने से तो 5-6 किलोमीटर है, लेकिन जाने से तो 15-20 किलोमीटर है। और यहाँ का नज़ारा आप देखो, चर्च यहाँ बहुत मिलेंगे आपको, एक और चर्च, और केले के पेड़ भी बहुत हैं यहाँ, केले भी बहुत होते हैं, जो कि फलों को मतलब ऑटोमेटिक पेड़ में पकते हैं, तो खाने का मजा है यहाँ।